हेलो दोस्तों, ये रेडमी 9A, इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्जिंग कनेक्ट नहीं हो पाता है। और कभी हो भी जाता है तो फिर क्या होता है कि पूरा स्लो लेता है चार्ज, ठीक है, मतलब परसेंटेज ही बढ़ता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको नॉर्मली हम इसका चार्जिंग जो है उसका प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए रहे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है और कैसे आसानी से करना, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फोन को यानी हम खोल लेते हैं। उसके बाद अब नॉर्मली पीसीबी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको सबसे पहले चेक करना है कि ये वाटर डैमेज है क्या, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये वाटर डैमेज तो ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है, ब्लैक पेस्टेड जैक है, देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले पेस्ट लगा के ये जैक को पहले यहाँ से पीसीबी से निकाल लेते हैं, ठीक है। और ब्लैक पेस्ट जो है उसको पहले क्लीन करना है आयरन के माध्यम से, उसके बाद फिर से जैक को रिप्लेस हम कर लेते हैं, ठीक है। जैक रिप्लेस करने के बाद ध्यान रहे कि जैसे आप लगा लेते हैं उसके बाद पिन में जो हल्का पेस्ट देके इसको अच्छे से रिसोल्ड कर ले कि चार्जिंग स्टोर होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यानी माइनस और प्लस सिर्फ यानी कनेक्ट होने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि उसके वजह से भी जो थर्मल और भी कनेक्शन वहाँ रहता है वो सब कनेक्ट सही ढंग से नहीं होने के कारण क्या होता है कि स्टोरेज नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैक चेंज रिसोल्व करने के बाद हम नॉर्मली हम इसको लगा चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्जिंग शो भी कर रहा है और ये अब परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। तो आपको भी सेम इसी तरह करना है।